सांसद ने सर्किट हाउस पर की प्रेस वार्ता। मध्य प्रदेश शासन भोपाल के निर्देश अनुसार जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत निशुल्क राशन वितरण 7 अगस्त को जिला मुख्यालय स्थित पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम के संबंध में सांसद चतर सिंह दरबार ने आज जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस पर प्रेस वार्ता कर कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुरूप कोरोना काल में हर नागरिक के खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एमएफएसए के सभी हितग्राहियों को उनके पात्रता के अतिरिक्त 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह निःशुल्क खाद्यान्न वितरण मई से नवंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत किया जाएगा। हितग्राहियों को योजना के प्रति जागरूक बनाने हेतु आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत निःशुल्क राशन वितरण का आयोजन किया जा रहा है। प्रेस वार्ता में कलेक्टर धार आलोक कुमार सिंह, राजीव यादव भी मौजूद थे। इस उत्सव के तहत धार जिले के 771 दुकानों पर एक साथ अन्न उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से 45,000 थैलों का वितरण खाद्यान्न सहित किया जाना है। मई 2021 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 किलोग्राम प्रति सदस्य के मान से जिले के 353,417 परिवारों के 15,37,657 हितग्राहियों का निःशुल्क राशन का लाभ दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा माह अप्रैल, मई तथा जून में नियमित राशन का वितरण निःशुल्क किया गया। कोरोना काल में जिले के 5,281 परिवारों को स्वघोषणा के आधार पर राशन मित्र पोर्टल पर जोड़ा जाकर राशन प्रदाय किया गया। हितग्राहियों को समय पर तथा सुविधापूर्ण स्थिति में राशन प्राप्त हो सके इसके लिए जिले के समस्त विभागीय अधिकारी कर्मचारी सतत रूप से प्रयासरत हैं तथा सभी संबंधित विभागों द्वारा छूटे हुए पात्रता रखने वाले परिवारों की पहचान कर योजना का लाभ प्रदान करने के लिए जोड़ने की कार्यवाही सतत रूप से की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा शासन के निर्देश अनुसार सदैव इस प्रकार गरीब कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रयासरत रहेगा। ग्लोबल न्यूज टीवी के लिए धार से जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। 771 दुकानों में कल से यह कार्य चालू हो जाएगा। तो 771 है, 771 है, और ये इसके पीछे एक संवेदनशील प्रधानमंत्री जो गरीब और भूखे मरने का आज जो चांदी के चम्मच से पैदा होता है, उनको ये एहसास ही नहीं कि देश में कोई भूखो भी मरता है या भूखो मरने कंगाल पे। आज हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जिस बचपन में जिस परिवेश से आए हैं, वो भी एक छोटे परिवारों से आए हैं, छोटे गरीब परिवारों से, किसान परिवार और गरीब परिवार से आए हैं। उन्होंने गरीबों की पीड़ा भोगी है, उनके परिवारों ने गरीब की पीड़ा भोगी है। ये कोई गरीबों पर एहसान नहीं है, गरीबों को भीख नहीं दे रहे हैं, गरीबों को प्रति कोई उनपे बड़ा उनपे परोपकार नहीं कर रहे हैं। एक संवेदना है कि हमारे गरीब को भी उसको भी अपनो मदद मिले और वो कभी भूखा न रहे, इसी हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की और केंद्र की कई 28 योजनाएं हैं जो व्यक्ति हित मूलक योजनाएं हैं, उसके अंतर्गत ये हर योजना से किसी न किसी रूप में हर ग्रामवासी, शहर आदिवासी को लाभ मिल रहा है। वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे कई जो हितकारी योजना है उसका लाभ मिल रहा है, और सभी वर्गों को उस 28-32 जो योजना है उनमें अगर क्लासिफिकेशन करें तो गांव का और शहर का कोई भी आदमी जो इनकम टैक्स पेड होने के अलावा किसी भी योजना से कहीं ना कहीं उसको किसी न किसी एंगल से उसको लाभ मिल रहा है और मिलेगा। कल धार जिले में ये योजना चालू हो रही है, कितने क्या तैयारी हुई है? बहुत पूरी 100% टीमें बना दी, जनप्रतिनिधियों की ड्यूटी लगा दी, वहाँ पे प्रशासन की ड्यूटी लगा दी है, बैठक हो गई और बैठक हो गई है संगठनात्मक, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने और वरिष्ठ लोगों के साथ बैठकें भी कर ली है कि सतत उसका प्रचार प्रसार हो, उसमें निगरानी हो, और 3,771 दुकानों पे एक साथ कल ये फ्री अपने निःशुल्क अनाज का गरीबों को 10,500 पर्ची वाली जिनके पास पर्ची है उनको दिया जाएगा, और जिनकी पर्चिया नहीं है और उस क्राइटेरिया में कोई आ गया है या आता है तो ये जो पर्ची बनाने का काम भी हमारे
शिवराज सिंह जी ने और प्रधानमंत्री ने निर्देशित किया है प्रशासन को कि ये प्रक्रिया सतत होती रहे। इसका कोई टारगेट नहीं है, कोई कोटा नहीं है, किससे ही लाभ को दिया जाए, जो भी उसके अंतर्गत आएगा और जो बिना पर्चे वाला भी आज उसको पात्रता आ गई तो उसे भी राशन दिया जाएगा। ये बड़ी महत्वाकांक्षी और बड़ी परोपकारी योजना है प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की। बहुत बहुत धन्यवाद आप।